नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से घट स्थापना के साथ शुरू हो रहा है। इस नवरात्रि माँ का हाथी से आगमन हो रहा है। हाथी सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। वहीं नवरात्रि पर घट की स्थापना कैसे करें और क्या है खास उपाय, इन्हीं सब विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजेश शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे नवरात्रि पर घट की स्थापना कैसे करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य जी शुक्ला का प्रणाम। माता रानी की कृपा सब पे बरसे और नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रै रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से सारी ही बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्र का पर्व बहुत ही खुशहाली का पर्व है। तो इसमें हम जानते हैं कैसे घट स्थापना, क्योंकि घट स्थापना से ही शुरू होता है नवरात्र का पर्व। और विशेष रूप से इस बार चूंकि रविवार को शुरू होने वाली नवरात्रि, अगर जब भी कभी रविवार के दिन शुरू होता है ये पर्व, तब उसमें माता की सवारी हाथी होती है। गज, जैसे गज लक्ष्मी, उसी प्रकार से माता लोगों को शांति सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए विशेष रूप से आई हैं इस बार। तो घट स्थापना का जो एक तरीका है, एक उसका मेथड है, वो आदि शक्ति को समर्पित माँ यानी घट अगर आप स्थापित करते हैं तो आप उसको एक स्थान देके यानी एक लाल कपड़ा, उसके ऊपर चावल इत्यादि ढाल के उसके ऊपर घट रख के, और घट में शुद्ध जल और उसमें एक सिक्का इत्यादि, या चांदी का हो सके तो ज़रूर एक सिक्का डालें और सुपारी, और फिर इसके ऊपर घट के ऊपर आप रख सकते हैं आम के पत्ते, और आम के पत्ते के ऊपर आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। ये सुख शांति समृद्धि इन सब का सूचक होता है। माँ दुर्गा आदि शक्ति को समर्पित शारदीय नवरात्र प्रारंभ घट स्थापना से ही होता है। और इस बार बहुत ही शुभ योगों के साथ शारदीय नवरात्र हमारे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हाथी की सवारी, हाथी को बुद्धि का, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और इससे और भी अच्छी बात ये होती है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, यानी कि सारी बाधाओं को दूर करने के लिए ये नवरात्र का प्रसंग आया है। तो गुरु जी, मेरे पास दर्शकों से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि में घट स्थापना की पूजन विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी कभी कोई शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य की जो हम लोग यानी कि स्थायित्व लाने के लिए करते हैं तो उसमें स्थापना होती है कोई ना कोई, तो कई प्रकार की स्थापना होती है जिसमें नवरात्र में घट स्थापना की बड़ा अपना विशेष महत्व रहता है। इसमें सबसे पहले घट स्थापना करने से पहले पूजन स्थान को अच्छे से साफ कर लें। उत्तर या पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसमें जौ बो दें। इसके बाद कलश के यानी कि जब गला पार्ट होता है कलश का ऊपरी पार्ट, उसमें रक्षा सूत्र बांधें, एक सिक्का, अक्षत फूल, गंगा जल, दूर्वा सुपारी इत्यादि डाल दें उस ही शुद्ध जल में। फिर आम की पत्तियाँ रख के मिट्टी के बर्तन से उसको ढक दें। कलश स्थापना उत्तर या पूर्व स्थान पे करें, ये आपको कुबेर के समान धन और ऐश्वर्य देने के लिए होता है। फिर रक्षा सूत्र, उस पे लपेटा हुआ एक सूखा नारियल भी आप रखते हैं उसके ऊपर, और कलश के पास बोए गए जौ को भी रखें, जो 9 दिन तक जल का उसके ऊपर छिड़काव भी होता है। कलश स्थापना के बाद आप माँ गौरी दुर्गा माँ का आवाहन करें और उनकी मूर्ति स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि भी करना। इसके साथ कलश स्थापना के बाद प्रथम शैलपुत्री यानी कि माता जो शैलपुत्री है उनकी आराधना होती है। उत्तर या पूर्व दिशा में यानी कि अपना मुख करके आप उसमें जो भी अपनी मनोकामना इत्यादि हो उसको भी कर सकते हैं। 9 के 9 देवियों का आवाहन होता है, सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है, और इसमें आप
अगर मंत्र कुछ और नहीं कर पाए तो या देवी सर्वभूतेषु और जो संपुट लगाना चाहे शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि ये 9 दिन और 9 एक पूर्णांक होता है, इसमें सिद्धि बुद्धि सहित यानी कि आपको सिद्धि भी आती है बुद्धि भी मिलती है। गृहस्थ लोग हैं और गृहस्थ के साथ साथ अगर साधक है तो उनकी भी पूजन विधि घट स्थापना के साथ ही शुरू होती है। उपवास का अपना एक अलग महत्व है और उपवास का मतलब होता है उपवास, वास यानी कि प्रभु के साथ और माता रानी के साथ आपका वास रहे। तो गुरु जी, मैं आपसे अगला सवाल ही पूछना चाहूंगी कि घट स्थापना शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है। घट स्थापना जब भी कभी आप करें तो घट स्थापना के लिए पूर्व और उत्तर, लेकिन इसका मुहूर्त 6:21 से 10:12 है 15 अक्टूबर को यानी कि प्रथम दिन, यानी विशेष रूप से प्रथम दिन आज का दिन 6:21 से 10:12 और कुल अवधि इसकी 45 है। इस 45 में आप स्थापना कर दें, पूजन का कार्यक्रम आप उसके आगे भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर अभिजीत काल की बात करें तो अभिजीत काल भी आज आपको मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। और इसी के साथ ही आप जगर रविवार का दिन और रविवार के दिन के साथ साथ यदि चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का प्रभाव हो जाता है तो मंगल के नक्षत्रों को यद्यपि कुछ आचार्य नहीं भी कहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र का प्रभाव, और यही तुला राशि के चंद्र का प्रभाव शुभ होता है। जब भी कभी आप नवरात्रि का घट स्थापन करें तो आप उसको उत्तर या पूर्व उत्तर दिशा पे ज़रूर रखें। जैसे गुरुजी, पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, जरा इस बारे में बता दीजिए। प्रथम शैलपुत्री यानी 9 देवियों में सबसे पहले माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, और माँ शैलपुत्री की आराधना जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप जो भी कलश इत्यादि स्थापित करते हैं उसकी मिट्टी को उसमें रखें और रक्षा सूत्र लपेटा हुआ एक सूखा नारियल, ये सब स्थापित जो आप नारियल कर रहे हैं वो आप देखा जाए तो प्रथम शैलपुत्री यानी कि शैलपुत्री माँ के आप आराधना के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका आवाहन जरूरी होता है, माँ दुर्गा का आवाहन, और उनके सारे ही स्वरूपों को ध्यान करते हुए आप शैलपुत्री यानी आप पर्वतराज इत्यादि का ध्यान करते हुए और शैल यानी कि पहाड़ आपके जीवन में, आपके जीवन में विशालता आए, ये एक माता शैलपुत्री का आवाहन से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब भी माता शैलपुत्री का आप आवाहन कर रहे हैं तो आप या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रै रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो साधक भी करते हैं और साथ के साथ गृहस्थ भी इसी मंत्र को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे गुरुजी, हर देवी के अपने अलग अलग भोग होते हैं तो माँ शैलपुत्री के भी अपने अलग भोग होंगे, इसी प्रकार से माँ शैलपुत्री को हम लोग कौन से भोग लगा के प्रसन्न कर सकते हैं? भोग का अपना बड़ा बहुत विशेष महत्व होता है। जब भी कभी भोग इत्यादि हो, इसका मतलब ये होता है कि माता उसका भोग नहीं करती है लेकिन ये आप माँ के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, तो आप माँ शैलपुत्री को जब भी कभी भोग इत्यादि लगाएं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि माता शैलपुत्री को वैसे तो घी इत्यादि का भोग लगाने का बड़ा अच्छा विधान है। कुछ आचार्य लोग ये भी कहते हैं कि माता को अनार का फल भी बहुत प्रिय है, तो ये भोग सामग्री या इससे बनी हुई कोई भोग सामग्री हो तो आप ज़रूर ये भोग माता के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं। हम क्या दे पाएंगे माता को, हम क्या भोग चढ़ा पाएंगे माता को, बस माँ से ये जरूर विनती रहती है कि जो भी हमारे पास है वो माँ आप उसको ग्रहण कीजिए और हमारा कल्याण कीजिए।
जैसे गुरु जी नवरात्रि आती है तो विशेष उपाय करने की भी बातें आती हैं, तो सबसे पहले इस बार धन के लिए हम लोग कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए और धन की वर्षा हो? नवरात्र बहुत ही विशेष समय होता है और चूंकि इस बार गज पे सवार यानी कि हाथी पे सवार होके माता रानी का आगमन हो रहा है, तो धन के लिए अगर गज लक्ष्मी का जैसे कहते हैं तो माता और जैसे कमल का एक पुष्प होता है वो भी बहुत ही विशेष अपना प्रभाव छोड़ता है, तो घट स्थापना के साथ ही सात कमल के पुष्प या दो कमल के पुष्प या पांच कमल के पुष्प, विषम संख्या में कमल के पुष्प लेके उसके ऊपर अगर अक्षत आप डाल के ओम ऐम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः माता रानी का ध्यान करके कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ये भी माता रानी का ही नाम है, कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की साधना। और इस कमल के पुष्प को नवे दिन आप जाके अपनी मनोकामना बोल के किसी स्वच्छ जल इत्यादि में सिरा देंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये आपको अच्छा धन देगा। साथ के साथ आप एक एक कौड़ी भी रख लें इसी कमल के पुष्प पे और वो कौड़ी जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो आप लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी इत्यादि में रखें, धन का आपके पास अच्छा आगमन आता हुआ दिखाई देगा। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि पर घट की स्थापना कैसे करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर, ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajshuklaonline@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।